दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज के रिसर्च का शेयर है जील एक्वा लिमिटेड। इसके फाइनेंशियल ईयर 2024 के रिजल्ट आ चुके हैं। रिजल्ट के बाद में मैंने एक रिसर्च की, रिसर्च को इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। वीडियो में शुरू से आखिरी तक बने रहिए, हो सकता है ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। दोस्तों कंपनी 2009 में इस्टेब्लिश हुई थी, इनकॉर्पोरेट हुई थी, सूरत बेस्ड कंपनी है। जब इन्होंने पब्लिक इशू मार्केट में उतारा था तो फेस वैल्यू शेयर की 10 रुपये थी, लिस्टिंग प्राइस BSE पे या फिर इशू प्राइस 130 रुपये थी इनकी, और जुलाई 2016 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे ये लिस्ट हुई थी। दोस्तों 10 रुपये का फेस वैल्यू था, 130 रुपये का इशू था, 130 रुपये पे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे ये लिस्ट हुई थी 2016 में। कंपनी एक्वा कल्चर के फील्ड में है, ये एक्वा कल्चर की फार्मिंग प्रोवाइड करती है। ये टाइगर श्रिम्प और एल वेनमेई कल्चर प्रोवाइड करती है। श्रिम्प का फीड बनाती है, मतलब श्रिम्प के लिए भोजन तैयार करती है, श्रिम्प की मेडिसिंस बनाती है, फार्मर्स को हेल्प करती है बायो सिक्योरिटी पे, क्रॉप की मतलब श्रिम्प की जो क्रॉपिंग करते हैं उसकी सेफ्टी पे, फूड की सेफ्टी पे, एब्यूज़ एंटीबायोटिक की जो एब्यूज़ हैं उनका जो प्रभाव है उसके बारे में बताती है, और बेस्ट क्वालिटी श्रिम्प को पैदा कैसे करें इसके बारे में फार्मर्स को गाइड करते हैं। तो कुल मिला के एक्वा कल्चर का पूरा पैकेज देती है और पूरी तरह से हेल्प करती है और फार्मिंग भी करती है। दोस्तों इनके 5 सालों के रिवेन्यू और प्रॉफिट लॉस की अगर बात करें तो 2020 में रिवेन्यू 238 करोड़ था, प्रॉफिट 6 करोड़ था। 2021 में 297 करोड़ का रिवेन्यू था, 4 करोड़ का प्रॉफिट था। 2022 में 345 करोड़ का रिवेन्यू था, 5 करोड़ का प्रॉफिट था। 2023 में 362 करोड़ का रिवेन्यू था, 7 करोड़ का प्रॉफिट था। 2024 में 397 करोड़ का रिवेन्यू था और 8 करोड़ का प्रॉफिट था। अर्निंग पर शेयर 2020 में 5.06, 2021 में 3.37, 2022 में 0.46, 2023 में 0.56, 2024 में 0.66। अर्निंग पर शेयर लगातार कम हो रहा है या पिछले 3 सालों से आप ये मान के चलिए कि लगभग बराबर सा है। पिछले 3 सालों में 2020 में से कम हुआ 2021 में, 2021 से कम हुआ 2022 में, फिर 2022 के बाद में 23 में थोड़ा सा बढ़ा है और 24 में थोड़ा सा बढ़ा है। डेट टू इक्विटी आप ये मान के चलें कि 1.4 से 1.9 के बीच में रहा है और 2024 में ये 1.9 था, मतलब अब तक पिछले 5 सालों में सबसे ज़्यादा डेट टू इक्विटी 2024 में है। लेकिन कंपनी पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड अगर देखेंगे तो रिवेन्यू हर साल बढ़ रहा है और प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। बीच में 1-2 सालों को अगर वो छोड़ दें तो एक तरीके से बढ़ता हुआ ट्रेंड है। दोस्तों रिवेन्यू 238 करोड़, फिर 297 करोड़, फिर 345, 362, फिर 397। रिवेन्यू बढ़ रही है, प्रॉफिट भी कमोबेश बढ़ रहा है, कंपनी कुल मिला के ठीक काम कर रही है। क्योंकि रिवेन्यू फ्रंट पे ग्रोथ ठीक है, प्रॉफिट फ्रंट पे भी धीरे धीरे ग्रोथ पे आ रही है और शेयर पटरी पे है। एक इशू है डेट टू इक्विटी का जो थोड़ा बढ़ा हुआ है। अब क्वार्टरली रिजल्ट की, जून 23 के क्वार्टर में रिवेन्यू 79 करोड़ था, प्रॉफिट 0 था। सितंबर 23 के क्वार्टर में वो 116 करोड़ का रिवेन्यू था, प्रॉफिट 1 करोड़ था। दिसंबर 23 के क्वार्टर की बात करें तो 136 करोड़ का रिवेन्यू था, 3 करोड़ का प्रॉफिट था। मार्च 24 की बात करें तो 65 करोड़ का रिवेन्यू था, 4 करोड़ का प्रॉफिट था। तो फाइनेंशियल ईयर 2023 के मुकाबले 2024 का फाइनेंशियल ईयर अच्छा था, प्रॉफिट फ्रंट ऑफ व्यू पे भी अच्छा था और रिवेन्यू फ्रंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा था। तो 2023 के मुकाबले 2024 का फाइनेंशियल अच्छा, कंपनी कुल मिला के ठीक काम कर रही है, आगे बढ़ती ही जाएगी क्योंकि इस फील्ड की कंपनियां सी फूड से रिलेटेड कंपनीज आगे बढ़ रही हैं, इनका डिमांड बढ़ रहा है, एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है, ये कंपनी भी अच्छा काम कर सकती है ऐसा मेरा अनुमान है। दोस्तों मार्च 23 क्वार्टर में
को देखें तो 65 करोड़ का रिवेन्यू था, मार्च 24 में भी 65 करोड़ का रिवेन्यू था, मार्च 24 में प्रॉफिट 4 करोड़ था, 23 में क्वार्टर 23 मार्च 23 क्वार्टर में प्रॉफिट 1 करोड़ था, रिवेन्यू सेम था, प्रॉफिट 4 गुना बढ़ गया। कुल मिला के रिवेन्यू फ्रंट पे और प्रॉफिट फ्रंट पे कंपनी थोड़ा सा बेहतर काम कर रही है पिछले सालों से। FIs का शेयर 0% है, DIs का शेयर 0% है, पब्लिक का शेयर 31.58 है, प्रमोटर के शेयर 68.42 है। प्रमोटर के शेयर जब ज़्यादा रहते हैं तो प्रमोटर शेयर होल्डर्स के लिए भी अच्छा काम करता है, क्योंकि उसको भी बेनिफिट मिलता है और शेयर होल्डर्स को भी बेनिफिट मिलता है, तो वो बोनस भी देता है, डिविडेंड भी देता है। वो कुल मिला के हमेशा जब प्रमोटर के शेयर ज़्यादा होते हैं तो उस कंपनी वो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को बेनिफिट दिलवाती है। डेट टू इक्विटी 1.9 है। रिजर्व एंड सरप्लस की बात करें तो 66 करोड़ का रिजर्व है। पिछले सालों से रिजर्व बढ़ा है, पिछले साल शायद ये 56 करोड़ था, इस साल 66 करोड़ है। बोरोइंग्स 150 करोड़ की है, पिछले साल थोड़ा सा इस पिछले साल से थोड़ा सा कम है, लेकिन रिजर्व के कंपेरिजन में लगभग 2.5 गुना से थोड़ा सा ज़्यादा कर्ज है कंपनी, लेकिन बेहतर काम कर रही है और आने वाले सालों में ये कर्ज भी कम हो जाएगा और रिजर्व और सरप्लस और बढ़ेगा, ऐसा मेरा अनुमान है। क्योंकि एकदम से तो कुछ होने वाला नहीं है, बट 2-3 सालों में ये रिजर्व ज़्यादा हो जाएगा और बोरोइंग्स कम हो सकती है, ऐसा मेरा अनुमान है। दोस्तों, फेस वैल्यू इस समय 1 रुपये है, पब्लिक इशू आया था तो 10 रुपये थी, और जब पब्लिक इशू आया था तो फेस वैल्यू 10 रुपये था शेयर का, शेयर की इशू प्राइस या लिस्टिंग प्राइस 130 रुपये थी। इस समय फेस वैल्यू शेयर का 1 रुपये है, बुक वैल्यू 6.27 रुपीज़ है, 52 वीक लो 6 रुपये 56 पैसे है, 52 वीक हाई 16 रुपये 51 पैसे है। शेयर का प्राइस 16 जुलाई 2024 को 12 रुपये 65 पैसा था। फेस वैल्यू 1 रुपये, शेयर का प्राइस 12 रुपये 65 पैसे। जब लिस्ट हुई थी तो शेयर का प्राइस फेस वैल्यू 10 रुपये था और इशू प्राइस 130 रुपये, तो लगभग बराबर सा, मतलब उसी प्राइस पे ही है लगभग। दोस्तों, स्टॉक का पी 15.62 है, सेक्टर का पी 20.50 है, डिविडेंड यील्ड की हिस्ट्री नहीं है, बोनस की कोई हिस्ट्री नहीं है, और स्टॉक का पी सेक्टर के पी से करीब 0.75 पे है। इशू प्राइस को अगर देखें और फेस वैल्यू को देखें तो लगभग प्राइस सालों से उसी के आसपास है, लेकिन मुझे लगता है कि ये इस तरह के शेयर मार्केट में आउट परफॉर्म करेंगे और उनमें से ये शेयर भी होगा जो आउट परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि सी फूड का जमाना है। दोस्तों, ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो था, ये वीडियो केवल आपके रिसर्च में हेल्प करेगा। इस वीडियो के आधार पे या इस वीडियो को देख कर सीधे शेयर ना खरीदें ना बेचें, इस वीडियो का उपयोग आप अपने रिसर्च के लिए करें, अपनी रिसर्च करने के बाद में अपने एडवाइजर से, फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें और उसके बाद ही शेयर को खरीदें या बेचें। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अगर सब्सक्राइब किया हुआ है आपने तो बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि अगला वीडियो डालूं जब मैं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, वीडियो आप कुछ फ़ायदा उठा सकें। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।